It is raining welfare schemes in Maharashtra. It is the last budget before the state goes to polls, and Deputy Chief Minister Ajit Pawar made a slew of announcements. Let's go across to Akshay for more. Akshay, take us through all these announcements that have been made. Of course, the focus appears to be on women. देखिए, आज अजीत पवार ने अपना अर्थसंकल्प सादर किया। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले का ये आखिरी अर्थसंकल्प अजीत पवार द्वारा ये बजट सादर किया दाखिल किया गया। और इस बजट में हम देखें तो महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का समावेश किया गया। सबसे महत्वपूर्ण है कि लाड़की बहन योजना नाम की एक योजना थी जो मध्य प्रदेश में इसके पहले लागू हुई थी, राजस्थान में भी लागू होने की कोशिश चल रही थी, वो योजना लागू कर दी है, जिसके चलते पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को हर महीना 1200 से 1500 रुपए का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 3 LPG सिलेंडर्स जो है वो फ्री कर दिए गए हैं महिलाओं के लिए। और उसके साथ किसानों के लिए भी आज का बजट विशेष रहा, क्योंकि किसानों के जो क्रॉप्स के रेट्स होते हैं, किसान जो प्याज की निर्यात बंद कर दी गई थी, प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था, प्याज के दामों को लेकर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए थे लोकसभा चुनाव में। इन दामों को लेकर, प्याज, कपास और सोयाबीन के दामों को लेकर काफ़ी दिक्कतें सरकार को चुनाव के दौरान आई थी, तो इसके लिए भी एक विशेष बजट पेश किया गया और एक विशेष अमाउंट की जो है यो तरतूद आज के बजट में की गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिलाएं, किसान और साथ ही साथ युवाओं के लिए आज का बजट खास रहा। लेकिन इस बजट के चलते लगभग 6 लाख करोड़ का भुगतान भी सरकार को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा।